Hello and welcome to Basic Mining by Sharad Sapkal. And we'll be discussing types of drilling in mines in this particular lecture. साथियों अलग अलग किस्म से ड्रिलिंग होती है जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेसन में भी देखा है. साथियों रॉक या चट्टान जिसमें हमें होल करना है सुराख बनाना है उसका जाहिर है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही. इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा चाहे वो मैन्युअली लगाया जाए चाहे मैकेनाइज्ड तरीके से लगाया जाए. और हमें जब वहाँ होल करना है या छेद करना है तो इसको करने के लिए तीन तरीके अमूमन काम में लिए जाते हैं. सबसे पहला है प्योरली परकसिव ड्रिलिंग. परकसिव यानी बार बार हैमरिंग करना इम्पाउंडिंग करना या किसी चीज से किसी हार्ड चीज से उसको बार बार ठोकना ताकि वहाँ रॉक क्रश होते जाए और उस चूरे को बाद में निकाला जाए किसी तरीके से और फिर उसको उसी प्रकार से क्रश करते हुए आगे बढ़ा जाए. ये एक डायनामिक फोर्स का इस्तेमाल होता है इसमें. दूसरा होता है प्योरली रोटरी ड्रिलिंग. इसमें यह होता है कि एक स्टैटिक फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है और टूल को जो कि एक बहुत ही शार्प टूल है चीजल बिट जैसा उसे घुमाया जाता है. जब वो घूमता है तो वो रॉक को काटते हुए एब्रेशन करते हुए आगे बढ़ता है और फिर कटिंग्स को भी किसी तरीके से बाहर निकाला जाता है. तीसरा तरीका है जिसमें रोटरी और परकसिव दोनों मोशन को काम में लिया जाता है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्योर परकसिव ड्रिलिंग. ये डायनामिक फोर्स का इसमें इस्तेमाल होता है और इसमें एक शार्प चीजल बिट किसी रॉड के सिरे में लगा करके या रस्से के सिरे पर लगा करके रिपीटेड ब्लोज दिए जाते हैं. तो यहां हम सक्सेसिव ब्लोज या हैमरिंग या एक प्रकार से वहां ठोकना इस क्रिया से हम उसको रॉक को पेनिट्रेट करते हैं और इसमें रॉक को क्रश किया जाता है. एक प्रकार से दो ब्लोज के बीच में रॉड को या रोप को स्लाइटली रोटेट होने दिया जाता है. ये तरीका मैनुअल भी हो सकता है मैकेनाइज्ड भी हो सकता है. मैकेनाइज्ड जब तरीका होता है जनरली रॉक्स को जब रॉड के माध्यम से हम ड्रिलिंग करते हैं रोप के अलावा जब रॉड के माध्यम से करते हैं तो एयर पावर या न्यूमेटिक पावर से या हवा जो ज्यादा दबाव में होती है उस हवा के फोर्स से इस काम को अंजाम दिया जाता है. तो रिपीटेड पाउंडिंग या हैमरिंग एक्शन इसके अंदर होती है. ये जो ड्रिल्स होते हैं ये हैंड हेल्ड भी हो सकता है यानी कि आदमी भी इसको उठा करके एक प्रकार से सब्बल जैसी चीज से ठुकाई करके गड्ढा कर सकता है जिसके अंदर बारूद भर के बाद में ब्लास्टिंग की जा सके. पुराने जमाने में जब ज्यादा मशीनें नहीं थी तो यही एक तरीका था और इसमें व्यक्ति एक दो फीट के गहरे होल इस प्रकार से हैमरिंग करके सब्बल से या इसी प्रकार के रॉड से जिसके ऊपर एक ड्रिलिंग टूल लगा होता था शार्प एज्ड उससे गड्ढा करते थे. ये कई बार इसमें कॉलम लगाए जाते हैं ताकि दो चार लोग मिलकर के भी इसमें इस काम को अंजाम दे सके जिसे कॉलम या बार माउंटिंग भी कहा जा सकता है. और कई बार वैगन यानी कि तीन पहियों की गाड़ी के ऊपर भी इसको कैरी किया जा सकता है. ऐसी सूरत में ये मैकेनाइज होता है. फिर रॉड जो होते हैं ये निकल क्रोमियम के या कार्बन स्टील के बने हुए सख्त स्टील के रॉड्स होते हैं जिसके एक सिरे पर ड्रिलिंग टूल या बिट को जो चीजल बिट होती है उसे लगाया जाता है. दूसरा तरीका है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है चर्न ड्रिल या केबल ड्रिल जिसके अंदर एक केबल या रोप का इस्तेमाल होता है. ऐसा ड्रिलिंग का इस्तेमाल 30 मीटर से लंबे अगर होल होते हैं तो वहां पर ही इसका करते हैं काम में लेते हैं. लेकिन ये खदानों में जनरली काम में नहीं आता ये सिविल वर्क में काम आता है. एक चर्न या केबल टूल ड्रिलिंग की तस्वीर दिखाई गई है. इट इज ऑल्सो ए प्योरली परकसिव ड्रिल. इसमें आप देखिए कि ये एक
डेरिक यानी कि एक फ्रेम है, इस फ्रेम से इस रस्से को लटकाया गया है। ये रस्सा यहाँ पर किसी विंच से या किसी मशीन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इस रस्से के इस सिरे पर एक ड्रिलिंग टूल या बिट लटकाया गया है। इस रस्से को बार बार ऊपर नीचे किया जाता है, कुछ एक्शन उस प्रकार की यहाँ पर अरेंजमेंट होती है जिसके माध्यम से, और इससे ये टूल जो है ये बहुत ही हेवी टूल होता है, ये बार बार जमीन पर नीचे पटका जाता है जिससे ये होल आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पर रॉक को क्रश किया जाता है और कटिंग एक्शन की बजाय या शेयरिंग एक्शन के बजाय ये रॉक के चिप्स बना देता है, टुकड़े टुकड़े रॉक्स को कर देता है। यहाँ ये जो रस्सा है ये थोड़ा सा दो ब्लोज के बीच में टर्न भी होता है जिससे सर्कुलर होल हमको प्राप्त हो सके जिसके अंदर बाद में हम बारूद लोड कर सके। तो ये एक साधारण इसकी रचना होती है और इस होल में चूंकि रॉक क्रश हो रहा है तो क्रश होने के कारण जो कीचड़ बनेगा, इसमें पानी डाला जाता है और वो जो कीचड़ रहेगा उस कीचड़ को एक बेलर जिसको कहते हैं, एक अलग टूल होता है जिसमें नीचे नॉन रिटर्न वॉल लगी होती है, उसको भी इंसर्ट किया जाता है और उससे इस कीचड़ को, उस मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से इस मिट्टी को बार बार बाहर निकालना होता है और यहाँ पर ये केबल जो है वो ऊपर नीचे होकर के इस होल को आगे बढ़ाती है। इसमें आप देखिए कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये चीजल बिट है और 60 स्ट्रोक, 30 से 60 स्ट्रोक पर मिनट ये लगाता है और वाटर इसके अंदर पोर किया जाता है ताकि जो बिट है वो भी ठंडा रहे और जो कटिंग्स है उसको कीचड़ बना करके बाहर निकाला जा सके। इसमें एक बेलर जो होता है वो करीब 1 से 1.5 मीटर जब हम एडवांस कर लेते हैं तो इसके अंदर फिर बेलर को डाल करके हम बेल आउट कर देते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं। ये एक्सप्लोरेशन वर्क में भी काम आता है ताकि सॉफ्ट फॉर्मेशन में हम इसमें से सैंपल निकाल सके, हार्ड फॉर्मेशन में भी 300 मीटर तक के हम इससे ड्रिलिंग कर सकते हैं। जनरली ये सिविल वर्क में बहुत बड़े बड़े पिलर्स जहां खड़े करने होते हैं फ्लाईओवर वगैरह के लिए, वहां पर इस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो इसमें सक्सेसिव इम्पैक्ट्स जो होते हैं उनके बीच में जो रोप है उस स्ट्रैंड्स होते हैं रोप के अंदर, उसकी वजह से नेचुरली उसको एक टर्न मिल जाता है दो ब्लोज के बीच में, वो नेचुरल रोटेट हो जाता है, उसको कोई रोटेशन के लिए अलग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है जैसे कि रिजिड रॉड्स के अंदर होती है, और ये इस प्रकार से सर्कुलर होल हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कोई शेयरिंग या कटिंग एज सच नहीं होती है और ये क्रशिंग और चिपिंग करके नीचे से रॉक्स को निकालता है। तो ये एक केबल या चर्न ड्रिलिंग का शॉर्ट में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। दूसरा तरीका जो ड्रिलिंग का है वो प्योरली रोटरी ड्रिलिंग हम जिसे कह सकते हैं। इसमें स्टैटिक फोर्स का या लगातार प्रेशर का होना जरूरी है टूल के ऊपर ताकि जो टूल है ये कंटिन्यूसली अगेंस्ट द रॉक प्रेस किया जा सके और उसे एक रोटरी मोशन देना जरूरी है। इसमें सबसे पहला आता है ऑगर ड्रिल, ये प्योरली रोटरी ड्रिल है और ऑगर जैसा कि नाम है वैसा ही इस टूल का शेप होता है। इसका डायमीटर अलग अलग हो सकता है, आपने सिविल वर्क में भी इसको देखा होगा, किसी ट्रैक्टर पर माउंटेड ऐसे टूल होता है। इसे पेनिट्रेट करने के लिए इसे जस्ट घुमाया जाता है जमीन के सॉफ्ट जमीन के ऊपर और ये आगे आगे बढ़ते जाता है और इसमें जो ये हेलिकल शेप के जो ग्रूव्स बने हुए हैं इसके अंदर मिट्टी फंसती जाती है और वो मिट्टी बाहर निकलते जाती है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट फॉर्मेशन, क्ले जैसे फॉर्मेशन में या जहाँ पर डंप हो लूज मटेरियल का जिसमें बोल्डर्स नहीं हो, वहाँ से अगर सैंपल लेना हो तो ये बहुत ही आसानी से ये तरीका काम में लिया जा सकता है। इसमें फ्लशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हो सकता है, डीजल ऑपरेटेड हो सकता है, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड भी हो सकता है। हल्की फुल्की मशीन अगर हो तो वैगन माउंटेड हो सकती है
और कई बार स्किड माउंटेड, स्किड यानी एक फ्रेम होती है लोहे की, और जिस फ्रेम को ये सारी असेंबली अटैच्ड होती है, मशीन पूरी अटैच्ड होती है, और ये फ्रेम किसी दूसरी मशीन से टो की जाती है। तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड भी हो सकता है और ट्रेलर टाइप भी हो सकता है, ट्रेलर में भी इसे ढोया जा सकता है, या जो ड्रिल है वो खुद भी टायर माउंटेड रह करके इसे मूवमेंट दी जा सकती है। रोटरी ड्रिल दूसरे जो होते हैं वो भी सॉफ्ट फॉर्मेशन में ही ज़्यादातर काम में आते हैं, और वो लार्ज डायमीटर के होल भी कर सकते हैं, और उनमें दो प्रकार के बिट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ड्रैग बिट और दूसरा होता है ट्राइकॉन बिट। ट्राइकॉन बिट में तीन कोनिकल टूल्स होते हैं जो आपस में एंगेज होते हैं, और जो आपस में एंगेज होकर के भी घूमते हैं और आगे पेनिट्रेशन भी करते हैं, जबकि ड्रैग बिट ये जमीन को काटने का काम या रॉक को काटने का काम करता है, जो बहुत ही शार्प एज्ड बिट्स होते हैं इसके अंदर। ये 100 से लेकर 400 mm तक के डायमीटर के होल भी लगा सकते हैं ये जो रोटरी ड्रिल्स हैं, और 50 मीटर तक की डेप्थ भी ये नेगोशिएट कर सकते हैं, इतनी डेप्थ तक भी ये ड्रिलिंग कर सकते हैं। ऐसे रॉक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो सॉफ्ट है, जैसे लाइमस्टोन है, शेल है। इसमें एयर फ्लशिंग भी हो सकती है और वाटर फ्लशिंग भी हो सकती है। फ्लशिंग से तात्पर्य यही है कि नीचे जो चूरा हुआ है रॉक उसे बाहर निकालना। तो एयर फ्लशिंग में हवा इसके अंदर इंजेक्ट की जाती है बिट के थ्रू, और जो बाहर हवा निकलेगी उसे बहुत ही एनक्लोज्ड एक चेम्बर के अंदर रिलीज किया जाता है, और वहाँ पर एक साइक्लोन लगा हुआ होता है जिससे क्लीन एयर बाहर निकले और जो चूरा है रॉक का वो अलग सेपरेट हो जाए। साइक्लोन का यही पर्पस होता है। दूसरा तरीका है वाटर फ्लशिंग, यानी कि उन्हीं होल से पानी भी नीचे छोड़ा जाए और पानी कीचड़ बना करके कटिंग्स को बाहर निकाल लेगा। इसमें भी अलग अलग किस्म की माउंटिंग हो सकती है, ट्रक माउंटेड हो सकते हैं। ट्रक माउंटेड जनरली लाइट जो मशीनें होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो हेवी मशीनें होती है वो क्राउलर ट्रैक माउंटेड या क्राउलर चेन माउंटेड जिसको कहते हैं वैसी होती है। यहाँ पर जो शार्प एंड है ड्रिलिंग टूल का या बिट जो है वो रॉक में ड्राइव करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं कि उसके ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर होना चाहिए और रोटरी मूवमेंट उसे देना जरूरी है। तो रोटरी मूवमेंट में वो कटिंग करता है, रॉक को काटता है या फाड़ता है, शियर करता है एक प्रकार से। ये जो बिट्स होते हैं ये नाइफ एज यानी कि बहुत ही शार्प एज होती है इसकी, और स्टील एलॉय के बने हुए होते हैं, स्पेशल स्टील के होते हैं, या कार्बाइड टिप्स के भी इंसर्ट इसके अंदर हो सकते हैं। इस प्रकार से ये जो बिट है इसमें ये चारों तरफ इस प्रकार से ये इंसर्ट्स लगे हुए हैं, ये चारों विंग है इसके। इन तस्वीरों में हम आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग किस्म के ड्रैग बिट्स हैं, और इसके अंदर जो ये बिट लगा हुआ है ये बहुत सख्त और शार्प है। तो ये इसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक बता दूं कि इसमें एब्रेड किया जाता है रॉक को, एक प्रकार से एब्रेशन की जाती है, इसलिए ये जो ड्रिलिंग टूल है इसका बहुत हार्ड होना बहुत जरूरी है। रेट ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है रॉक की क्या स्ट्रेंथ है, प्रेशर क्या कितना एग्जर्ट किया जा रहा है, आरपीएम कितना है आपके बिट का, और ड्रिलिंग बिट का टाइप कैसा है। हैंड ऑगर हमने पहले भी देख लिया है, और इसमें जो है वो थ्रस्ट को अप्लाई करना जरूरी है, यानी कि डाउनवर्ड प्रेशर जो है वो बहुत सख्ती से मेंटेन किया जाता है, और जनरली जो ड्रिलिंग टूल है जो रॉड वगैरह रहती है उसी का जो वजन है वो करीबन 60-70% जो प्रेशर है उस वजन से ही प्राप्त हो जाता है हमारे को। तो इसमें एक प्लॉइंग या स्क्रैपिंग एक्शन होती है और क्रशिंग भी होती है रॉक की,
और इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाता है। ये जो ड्रिल रॉड होती है या बिट भी होता है, ये हॉलो होता है ताकि इसके अंदर से कॉम्प्रेस्ड एयर गुजर सके या पानी गुजारा जा सके। ब्लास्ट होल के जो साइज है वो अलग अलग साइज रेंज आते हैं इसके अंदर बिट्स के, 100 से 450 mm डायमीटर तक के होल किए जा सकते हैं। जनरली 200, 250, 311, 381 इस प्रकार से ये बिट के डायमीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम काम दे रहे हैं और द सेम टॉपिक विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 41 एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल एंड फॉर आई होप यू वुड गिव सम फीडबैक ऑन दिस चैनल्स एंड दिस कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।